हेलो किड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में अंक की मात्रा की थी और मैम ने आपको समझाया था कि अंक की मात्रा कैसी होती है, उसे कहाँ लगाया जाता है और किस तरह से हम अंक की मात्रा से शब्द बनाते हैं। ठीक उसी तरह से आज हम अह की मात्रा करेंगे और आज मैम आपको बताएंगी कि अह की मात्रा कैसी होती है, उसे व्यंजन में कहाँ लगाया जाता है और व्यंजन में लगा के उसे किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अह की मात्रा। अह की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। इसे किसी भी अक्षर के सामने दो डॉट्स की तरह लगाया जाता है और साउंड होता है अह अह। आइए हम वर्णों पर मात्रा लगाकर इसके साउंड को समझते हैं। कह खह गह घह चह छह जह झह टह ठह डह ढह तह थह दह धह नह पह फह बह भह मह यह रह लह वह शह शह सह हह क्षह त्रह यह श्रह। तो देखा आपने, हर वर्ण के सामने अह की मात्रा लगाने पर साउंड में ह आना जरूरी है। आइए अब अह की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। छह यानी नंबर सिक्स, प्रातः यानी सुबह, नमः यानी नमस्कार, अतः यानी इसलिए, अंततः याने आखिर में, शनैः याने धीरे, स्वतः याने अपने आप, पुनः याने दोबारा, मूलतः याने मूल रूप से, इंग्लिश में जिसे ओरिजिनली कहा जाता है, प्रायः याने अधिकतर, फलतः याने इसलिए, मुख्यतः याने मुख्य रूप से मेनली, संभवतः याने शायद, क्रमशः याने एक एक करके, परिणामतः याने नतीजा, शतशः याने सौ बार, निःसंदेह याने अवश्य जरूर बिना शक के, विशेषतः याने खास तौर पर, दुःस्वप्न याने बुरा सपना। आइए शब्द पढ़ने के बाद अब अह की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ेंगे। रेखा प्रातः छह बजे उठती है, कछुआ शनैः शनैः चलता है, नमन को भूख लगी थी अतः उसने खाना खाया, अजय ने सूरज को नमः किया, काम गलत हो जाने के कारण गौरी को पुनः लिखना पड़ा। तो आज के वीडियो में हमने अह की मात्रा को समझा। तो चलिए बेटे, अब हम अपना रिटेन वर्क स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन टुडेज डेट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड टुडेज डेट इज 22nd of February 2021, मींस 2222.02.2021, एंड जस्ट अपोजिट साइड वी विल मेंशन लिखित कार्य।
इन सेकेंड लाइन वी विल मेंशन टुडेज हेडिंग एंड टुडेज हेडिंग इज अह की मात्रा के शब्द। बेटा आज हम एक नई मात्रा कर रहे हैं और मात्रा किसकी है? अह की मात्रा। और ये देखिए ये दो डॉट्स किसकी मात्रा है? ये अह की मात्रा। और आज हम अह की मात्रा के कुछ शब्द करेंगे। नंबर वन, अब मुझे बताइए बेटा ये कौन सा व्यंजन है? न व्यंजन। और ये कौन सा व्यंजन है बताइए? यस म व्यंजन, न म। और म में कौन सी मात्रा आ रही है बताइए? ये जो दो बिंदियां हैं, ये जो दो डॉट्स हैं, ये किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। ये देखिए अ, और ये किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। तो मुझे बताइए क्या शब्द बन गया? नमः। क्या बन गया बेटा? नमः। और नमः का अर्थ होता है नमस्कार, प्रणाम। नंबर टू, अब ये देखिए प्रा त, और त में क्या आ रही है? अ की मात्रा। तो क्या शब्द बनाइए? प्रातः। प्रातः का मतलब होता है बेटा सवेरा। हम बोलते हैं ना प्रातः उठो, यानी कि सवेरे उठो। अब ये देखिए नंबर थ्री, प में कौन सी मात्रा आ रही है बताइए मुझे? कौन सी मात्रा आ रही है प में? ओक की मात्रा। किसकी मात्रा आ रही है बेटा? ओक की मात्रा। और न में कौन सी मात्रा लग रही है? अह की मात्रा। ये दो डॉट्स किसकी मात्रा है बेटा? अह की मात्रा। तो क्या शब्द बनाइए? पुनः, पुनः। क्या बनाइए? पुनः। और पुनः का मतलब होता है फिर, दोबारा। हम लोग बोलते हैं ना कि पाठ पुनः पढ़ो, यानी कि पाठ दोबारा पढ़ो, पुनः। बेटा नंबर फोर, अंतः, अंतः। और अंतः का मतलब होता है अंतरात्मा। अंतः का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा। बेटा नंबर फिफ्थ, अब ये कौन सा व्यंजन है बताइए मुझे? कौन सा व्यंजन है ये? त व्यंजन। और ये कौन सा है? प व्यंजन। और प व्यंजन में किसकी मात्रा लग रही है बेटा? अह की मात्रा। तो मुझे बताइए ये क्या शब्द बन गया? तपह। क्या बनाइए? तपह। और तपह का मतलब होता है तपस्या। ऋषि मुनि करते हैं ना बेटा तपस्या करते हैं, तो क्या है ये? तपह। नंबर सिक्स, शनह। और शनह का अर्थ होता है बेटा धीरे, आहिस्ता। और कई बार आपने सुना भी होगा कुछ लोग कहते हैं शनह शनह तुमको आदत पड़ जाएगी, यानी कि धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगी। तो क्या शब्द है ये? शनह। नंबर सेवन, अ त। और त में कौन सी मात्रा आ रही है बेटा? अह की मात्रा। तो क्या शब्द बन गया ये? अतः। और अतः का अर्थ होता है इसलिए, या फिर इसको बोलते हैं अब से। अतः का अर्थ क्या होता है बेटा? इसलिए। नंबर एट, प्रायः। नंबर एट, प्रायः। और प्रायः का अर्थ होता है अक्सर। प्रायः का अर्थ क्या होता है? अक्सर। बेटा नंबर नाइन, स्वतः। और स्वतः का अर्थ होता है स्वयं या अपने आप। और आपने कई बार सुना भी होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्वतः ही ये कार्य करूंगा, यानी स्वयं ये कार्य करूंगा, स्वतः। नंबर टेन, अंततः। अंततः। और अंततः का अर्थ होता है बेटा अंत में या आखिर में, अंततः। बेटा वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत केयरफुली करना है। और अह की मात्रा के शब्द आपको मार्जिन लाइन को टच करके लिखने हैं। एंड स्पीक एंड राइट, जो भी आप लिख रहे हैं उसे बुल बुल कर करेंगे। इससे क्या होगा बेटा, हमें मात्रा की प्रैक्टिस होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।